हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी सक्सेस के साथ हूं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो बहुत बड़े मुकाम पर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में इनके ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आप हम सभी जानते हैं कि अपना घर बनाना, क्योंकि लग्जरी घर बनाना कितना मुश्किल है। फ्रेंड्स, आज हम इनसी से जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने बजट में अपने घर को एक लग्जरी मुकाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ लक्षराज कंस्ट्रक्शन इंडिया के फाउंडर द वन एंड ओनली मिस्टर राहुल सोलंकी जी से। भाई फ्रेंड्स, मिलवाते हैं हम आपको मिस्टर राहुल सोलंकी जी से। अरे स्वागत है आपका लास्ट टॉक विद आप यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, आप हमारे यहाँ आए और आपके माध्यम से मुझे अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। हाँ, आप ये बात सही कह रहे थे कि आज के समय में अपना घर बनाना और लग्जरी घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके बारे में कि किस तरीके से आपने जीरो से स्टार्ट किया और आप आज इस मुकाम पर। देखिए सर, मैं आपको बता दूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। और हमने मतलब जो मेरे फादर थे, ये पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बाद टी ए डस्टन सिटी जो सिंधु बॉर्डर पे है, और फिर उन्होंने देहरादून, और मैंने जो स्टार्टिंग करी मैंने देहरादून से स्टार्टिंग करी। जो प्रोजेक्ट था उसका नाम है सिक्का की मायगी, आई टी पार्क के अंदर का ससधारा रोड देहरादून। मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करी, मैंने वहीं से सीखा। और उस टाइम बाद क्या हुआ कि नोटबंदी हो गई थी, नोटबंदी के बाद फिर GST लग गया, और उसके बाद काम बंद होने लग गए, हमारी पूरी की पूरी टीम हम घर पे आ गए। मतलब हम फरीदाबाद वापस आ गए थे, मेरा रेजिडेंस है फरीदाबाद। उसके बाद हम कोई नया प्रोजेक्ट देख रहे थे कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिले। मुझे प्रोजेक्ट मिला गुड़गांव में, जो 350 yards स्क्वायर का था। वहाँ गुड़गांव में मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बहुत ज़बरदस्ती किया, क्योंकि मेरे फादर जो थे मना कर रहे थे कि हमें ये लाइन नहीं करनी, बट मैं नहीं माना, क्योंकि मैं इस लाइन में घुसा हूँ तो मुझे यही काम करना था। मेरा गोल सेट था कि मुझे कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जाना है। फिर हमने वहाँ पर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और आप मानोगे नहीं, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं सड़कों पर सोया था। जहाँ पे हमारी फुटिंग की एक्सिबिशन हुई थी वहीं पे ही मैं साइड में रोड के किनारे सोते थे। क्लाइंट हमारा बहुत अच्छा था, राहुल आज़ाद नाम था, उन्होंने हमारे लिए कूलर वगैरह भी ला के रख दिया था, कभी गर्मी ज़्यादा है। फिर थोड़े टाइम बाद मेरा एक लेबर था नरेंद्र नाम का, वो आ गया था, वो मुझे खाना बना के खिलाता था। फिर हमने इसी तरीके से स्टार्ट किया। फिर मेरा फोरमैन था मुन्नीलाल, वो गाँव से वापस आया, पूरी टीम लेके आया। फिर हमने वहाँ पे 3-4 महीने के अंदर हमने 5 लेंटर डाल दिए, उसके बाद चिनाई भी कंप्लीट कर दी थी हमने। मतलब 5 महीने के अंदर, 3 से 5 महीने के अंदर हमने वो प्रोजेक्ट ख़त्म करने के मोड पे आ गए थे। उसके बाद उस बिल्डिंग ने मुझे बहुत प्रोजेक्ट दिया है वाटिका इंडिया नेक्स्ट के अंदर। तो राहुल जी, आपको बूस्ट अप कब मिला और किस तरीके से आप हाइप पर पहुँचे? देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि गुड़गांव में जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, तो हमने 3 से 5 महीने में किया था। उस बिल्डिंग ने मुझे सर बहुत काम दिलाए, बहुत प्रोजेक्ट दिलाए, मतलब 7-8 साइड और कंटिन्यूली बैक टू बैक मुझे उस बिल्डिंग के जरिए काफ़ी काम मिला। और उसी बिल्डिंग के ज़रिए मेरे को संजय यादव जी मिले थे, जो फिल्पी रियल इस्टेट के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, काफ़ी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो राहुल जी, ये बताइए, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, एक शादी करना और एक घर बनाना, दोनों में जितना भी आप पैसा लगाओ उतना कम होता है। हाँ, लेकिन ये है कि हम आपके बजट में आपके मकान को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, करके देते हैं, और हमारे पास बल्क में माल रहता है, हम लोग होलसेल में हमारे को माल मिल जाता है, जिससे क्या है, कस्टमर अगर डायरेक्ट से माल लेने जाता है वो उसको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और हमारे को होलसेल रेट में हम वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहती है, जिससे
से हम आपको कम बजट में या फिर आपके बजट में एक लग्जरी होम हम आपको बना कर देते हैं जी। हाँ, और अभी हमारे पास करंटली में 100 से ज़्यादा लोगों की टीम है, अपने पास हर तरीके का वेंडर है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, प्लम्बर, मतलब सारी टीम हमारे पास है। यहाँ तक कि हमारे पास आर्किटेक्ट की भी टीम है, डिज़ाइनर की टीम है, ड्राफ्टमैन हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अपने पास सारे इक्विपमेंट है कंस्ट्रक्शन के। और देखिए कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट जब अपने पास होते हैं तो आपको पता ही है कि काम बहुत स्पीड से होता है। आजकल इंसानों पर कम विश्वास रह गया, इसलिए हमने मशीनों का सहारा ज़्यादा ले लिया। तो थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिल पाएगी, एंड जिन लोगों को भी अभी तक मैं भी हो सकता है कि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो मे बी मुझे भी ऐसा लगता है कि उस वीडियो से काफ़ी हद तक हेल्प हो पाएगी। थैंक यू सर, आप यहाँ आए और आपके जरिए मुझे लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। और सर मैं बता दूँ, जो अभी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, अगर उनको अपना घर बनवाना है तो हम उनके बजट में उनका घर कंस्ट्रक्शन करके दे सकते हैं। और अगर किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो हमारी टीम वहाँ भी उनकी हेल्प करेगी।